चलिए चाय आ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, डे टू एट पटनी टॉप। चाय आ गई है मॉर्निंग की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का प्लान है श्रीनगर जाने का। यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर है और 4 से 5 घंटे का है यहाँ से। उसके बाद शायद हम गुलमर्ग जाएंगे। गुलमर्ग होके स्टे श्रीनगर में करेंगे, डल लेक। मौसम अभी बहुत अच्छा है, देखिए बाहर का नज़ारा। रात भर बारिश हुई है, थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी 8 बजे हैं, 9 बजे तक निकल जाएंगे। रेडी हो गए, अब निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। ये यहाँ के मैनेजर हैं, होटल कासल है इसके, सॉरी ओनर हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं रिकमेंड करूँगा इस होटल को। कभी आना हो तो जरूर आइए। थैंक यू सो मच, बहुत हेल्पिंग है, सर्विस बहुत अच्छी है। लगभग 2000 का रूम था और 1500 में सब कुछ हो गया, खाना पीना सब। सर्विस अच्छी है, नया नया मालिक है और यहाँ से व्यू भी अच्छा है। 9:15 हो गए, बस निकल रहे हैं। इनकी पार्किंग यहाँ से 50 मीटर है, तो ये अभी अरुण लेके आया है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। हमें अभी पटनी टॉप से हम जा रहे थे श्रीनगर, तो रास्ते में मिले हैं, इनको लिफ्ट दी है। कहाँ तक जाओगे आप? त्रिनगर। त्रिंगला कितनी दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर बस। एक्चुअली हमारा डीजल खत्म होने वाला है, फुल कराई थी दिल्ली में टैंक, तो अभी कितना चल गए? 650 चल गया। कितना? 650 किलोमीटर चल गई है ये जीप कंपास। लगभग 14 से 15 की एवरेज निकाली है अभी तक। 14 से 15 की एवरेज है ना? 15 के करीब। अब आगे देखते हैं, आगे मुझे लगता है कि वो कम ही होगी अब तो एवरेज। संजय ने बताया कि हाँ अच्छा है। क्या क्या है ये? खरबानी। आलू बुखारे। ये आलू बुखारे इनके बाग है। आगे देखा मीठा है, आलू बुखारे तो पीछे इनके पेड़ है। कैसा है? अच्छा था, अच्छा था, मीठा था। पंप पे रुके हैं टैंक फुल कराने के लिए, लेकिन इसके जीप कंपास में ये पतला नोजल ही अंदर जाता है इसके। यहाँ है नहीं, बता रहे कि यहाँ है नहीं, पता नहीं कैसे तेल डलवाएंगे, तेल है नहीं बिल्कुल भी। अब ये देसी जुगाड़ किया है बोतल से, ये बोतल रख लेंगे साथ में, आगे भी ना मिले कहीं। फुल कर दे भाई बिल्कुल टैंक। रेट क्या लिखा है? 70। दिल्ली से तो सस्ता ही है। ये यहाँ पे टनल, वो जो कल टनल पड़ा था वो यहाँ आके निकलता है 9 किलोमीटर बाद। नेशनल हाईवे 30 है, तो नासरी चेन्नई टनल करके कुछ है, 9 किलोमीटर का टनल। ये जगह है पीड़ा, पटनी टॉप से थोड़ा आगे श्रीनगर हाईवे पे मनसाराम की ये दुकान है, बहुत फेमस है राजमा चावल के लिए। हमें पटनी टॉप में बताया था कि बहुत फेमस जगह है, तो वहाँ जरूर खाना। अब देखते हैं यहाँ कैसा है। अच्छा है, अच्छा ले भाई खाओ। तो ये जो पीछे टनल था उससे लगभग 8-10 किलोमीटर आगे है, झेलम रिवर है, प्रेशर भी बहुत तेज है पानी का। ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं हम फिलहाल, अभी रामबन क्रॉस किया है और 11:30 बज गए हैं। श्रीनगर शायद 2-3 बजे तक पहुंचेंगे, 3 से भी 4-5 देखते हैं। बिलो हॉर्न की जगह है बोल हॉर्न। ये देखिए जाम लगा रखा है इसने, टैक्सी वाले ने। हर जगह ये लोकल टैक्सी वाले जाम लगाते हैं और नाम लगाते हैं कि भाई दिल्ली से घूमने आते हैं लोग, ये चलाना नहीं आता, ये है वो है, उल्टी साइड चला रहे हैं सारे। जितनी भी जेके टैक्सी हैं सब भाग रही हैं आगे। सुमो है, टवेरा है, कोई भी नहीं रुकेंगे, लेकिन जेके नंबर। बार टनल क्रॉस किया है अभी, 5 मिनट हुए हैं, अब सुसु ब्रेक के लिए रुके। कश्मीर में एंटर कर गए, बता रहे हैं आज थोड़ा जाम था तो एवरेज कम दे रही है गाड़ी, 8-10 की एवरेज हो रही है। देखते हैं आगे कैसा है। कश्मीर में आके रोड तो अच्छा है, हैं कश्मीर अच्छा है यार, अभी ठंड तो नहीं है, दिन में तो ठंड नहीं है। ये देखिए बाइकर्स भी जा रहे हैं, ये पंजाब, दिल्ली और फरीदाबाद, ना 3 जगह से है हमने देखे हैं, तीनों पे नंबर पर बाइक जो है, गाड़ी से भी तेज बाइक चला रहे हैं। देखो सी दैट एवरीबॉडी, कितना अच्छा फोटोग्राफी कर रहे हैं। जब से कश्मीर में एंटर किया है जवाहर टनल के बाद, बहुत बढ़िया हाईवे आ गया, बहुत बढ़िया हाईवे। मतलब जवाहर टनल तो ये समझिए कि बॉर्डर था,
जो ये बता रहा था कि इसके बाद रोड अच्छी है। लग रहा है दिल्ली और ऋषिकेश वाला, दिल्ली ऋषिकेश वाला हाईवे लग रहा है ये तो, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा बना रखा है। ये स्पोर्ट्स पॉइंट, ये सब बैट बैट बनाते हैं, बैट बनते हैं जो क्रिकेट खेलने वाले जो है ना वो, ये देखिए जी के सामने लकड़ियां भी रखी है, बैट बनते हैं, बैट बनते हैं। 10 किलोमीटर से तो यही देख रहे हैं बैट बनाने की दुकानें। ये देखिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आप चाहे तो टेडी बियर भी खरीद सकते हैं, वाइफ को तो कोई देता ही नहीं है। ये बैट कप बताओ भाई, बैट के बारे में कुछ बताओ, तुम्हें कैसे लगते हैं बैट? तो छोड़ दो तुम, रहने दो तुम, चूतिया हो। इतना प्यारा सीन है, ऐसे समझे जैसे हम आप ही समझिए कि किसी फॉरेन कंट्री में यूरोप में घूम रहे हैं। रोड बाइक क्लीन रोड, सब कुछ एकदम वे के हिसाब से, इतना अच्छा गार्डनिंग व्यू, एफएम भी चल रहा है बढ़िया, ठीक है एफएम भी अच्छा है, और सामने देखिए पहाड़ी एकदम, मतलब क्या क्लासिक व्यू है। 10 किलोमीटर है यहाँ से, सिर्फ श्रीनगर 10 किलोमीटर है। और भाई आर्मी वाले ने तो बंदूक दिखा दिखा कर डरा रखी है, अब तक हम गाड़ी नहीं रोक पाए, हम सोचे कि गाड़ी रोक के एक आध वीडियो बना लें। किसी भी मतलब इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सिक्योरिटी है कि हम खुद डर गए हैं कि भैया गाड़ी से उतरे ही ना। वो तो हमारी हेल्प के लिए है, वैसे है हेल्प के लिए, लेकिन डर तो लगता ही है, क्या पता कब कब भाई बंदूक तो आण दे। यहाँ पे चेकिंग स्टार्ट हो रही है अभी, पता नहीं कैसी चेकिंग है, इसलिए लोग रुक गए हैं। अब देखो शायद हम लोगों से भी आईडी वाईडी पूछे, वी डोंट नो, लेट्स मूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। डल लेक की फर्स्ट फेस हमने देखी है जो, तो आप यहाँ अपनी कार नहीं धो सकते, कुछ भी कूड़ा नहीं डाल सकते, और बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते। अभी तक कुछ वैसा माहौल तो लगा नहीं हमें जैसा कि बताते हैं, लेकिन बता रहे हैं कल हुआ था कुछ फ्राइडे को, आज तो ठीक है। वैसे भी हमने अभी तक जैसे देखा है कि श्रीनगर के 10 किलोमीटर पहले से और अभी तक हर 100 मीटर 50 मीटर पे कोई ना कोई आर्मी मैन है, आर्मी की गाड़ी है। कश्मीर में एंटर करने के बाद बहुत ही सुंदर रोड है, 90-100 चल सकते हैं, लिमिट तो 50 लिखी रहती है लेकिन 90 पे चल लेते हैं, सभी 90 के अराउंड चलते हैं। डल लेक के बिल्कुल सामने है मुगल गार्डन। रबड़ी फलूदा है या कुल्फी फलूदा? कुल्फी फलूदा है, कुल्फी है, फलूदा है, मुगल गार्डन के सामने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान, ये निशत मुगल गार्डन के सामने निशत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इधर ही बैठ जाऊं? इधर बैठो। अच्छा चलो, मोबाइल सामान ना? हाँ मोबाइल सामान लिया, चलो आ जाओ। ये सामने हाउस बोट है, तो ये भैया हमें वो हाउस बोट दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। ये सारी हाउस बोट है सारी, और ये काफ़ी बड़ी लेक है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी होंगी यहाँ हाउस बोट में। अंदर रहे एक मिनट, हाँ चप्पल उतारना है, बारिश भी आने लगी है धीरे धीरे। ये सर यहाँ बैठने का है? अच्छा सुनो सर, हाँ हाँ ये बैठने का है। अच्छा डिश लगा हुआ है? अच्छा डिश लगा हुआ है, बोल दो भैया पहले, दिखा दो भैया को दोनों कौन कौन से रूम है। देखो एक ये डबल रूम है, डबल बेडरूम, मतलब दो बेड है या एक बेड है? ये दो आदमी का, दो आदमी का है ना, हम तो चार हैं। सुनो ये हो गया बाथरूम, हाँ बाथरूम, शूटिंग रूम, शूटिंग रूम, बाथ टब है, ये बाथ टब है, गर्म पानी वर्म पानी सब 24 घंटे आपको नल में मिलेगा। अच्छा ये सेम रूम है, अभी आप चार आदमी बोलते हैं एक ही रूम चाहिए। अच्छा हाँ ये सेम है, सेम है ना ये? नहीं ये है भैया, ना कोई परेशानी ना, सब देखो भैया ये हो गया फैमिली सूट। अच्छा एक ये दूसरा इधर। अच्छा और ये सामने बाथरूम, इधर इंडियन भी है वेस्टर्न भी है दोनों फ्लश है।
अच्छा गर्म पानी ठंडा पानी 24 घंटा नलके में आ जाएगा। अच्छा अच्छा दोनों है इसमें। हाँ, ये बाथ टब है। ये बाथ टब है, ये बाथ टब ठंडा गर्म पानी है 24 घंटा। चौबीस घंटा क्या नाम है आपका? लतीफ। लतीफ, मेरा ललित। ललित, हाँ। चार आदमी है ना? हाँ ठीक है ना। फैमिली सूट है, इसका दरवाजा इधर है, लॉक कर सकता है। इसका भी दरवाजा है। हाँ वैसे उसका दरवाजा की जरूरत नहीं है, आप चार इकट्ठे हो। ठीक है, ये तो बड़ा बेड है, इसमें तीन इसमें तीन आदमी उधर एक आदमी, एंजॉय हो जाएगा पूरा। ठीक है, आगे बैठेगा लॉबी, आगे वरांडा, शाम को लाइटिंग वाइटिंग पूरा चलता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्राइस बता दो एक बार। इसका आपको लगेगा 3.5। 3.5। और इसका दोनों कमरों का आप आज नहीं बता दो, आप रखो तशरीफ। हाँ तशरीफ रखते हैं, आप रखिए सर तशरीफ। ये हमारा गेस्ट था 4 नाइट, अभी जा रही है बाइक पे आई। अरे कहाँ जा रहे हो? बहुत अच्छा नजारा भाई, मजा आ गया। वो लास्ट वाला डिलक्स रूम हमने बुक कर लिया है 3,000 बोले पहले, तो 3,200 में मान गया, वैसे 3,000 में ही मान गया, पता नहीं 200 और लेगा क्या, दे देंगे कोई नहीं। अच्छा रूम है, इनकी अपनी यहाँ किचन है पीछे ही, और बोल रहा है कि यहाँ आराम से, ये शिकारा है, शिकारा में घूम के आइए, पीछे मीना बाजार में लेके जाएगा 600-700 रुपये में 4 लोगों को। और उन्होंने नवीन गए हैं बैग लेने, बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ तो। ये देखिए बोट वाला यहीं ले कर आ रहा है, कुछ भी आपको चाहिए खाने के लिए तो सब यहाँ घूमते रहते हैं। ये सिटी साइट सीइंग श्रीनगर बस भी चलती है यहाँ, डबल डेकर, आई लव कश्मीर लिखा हुआ है। आसिक, इसका टिकट कितने का है साइट सीइंग का? 100 रुपये। कितनी देर का? देर का नहीं रहता। ये हमारे ओनर है यहाँ का, आसिक नाम है। ये जो बोट है ये बार बार पता नहीं दिन में कितनी बार जाते होंगे, हमारे लिए भी फ्री है, कितनी भी बार हम आ जा सकते हैं वहाँ से यहाँ। ये आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम पूछ रहा है, कुछ ना कुछ आता रहेगा आपकी बोट के पास ही। ये लोग आ गए हैं, कार पार्क करके बैग ले आए हैं आप अपने। शमीकापुर बनाना है क्या? अरे बंदा अफगानिस्तान से आया क्या तू? ये फ्लोटिंग मार्केट है, बाकी भाई यही है ना मीना बाजार? नहीं ये ड्राई फ्रूट इनका दुकान का नाम है। अच्छा आगे आएगी? वो आगे आएगी, ये आ गया मीना बाजार यहाँ से शुरू। अच्छा ये है मीना बाजार, नाम है ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी का मतलब कि पहले यहाँ पर खाली कढ़ाई का काम होता था। अच्छा, यहाँ पर सेलिंग वगैरह नहीं होता, बर्फ का मौसम होता था ना तब यहाँ पर कढ़ाई का काम करते थे यहाँ के लोग, लड़ी लोग, गर्ल्स लोग, बॉयज लोग, वहाँ है सब। अब यहाँ पर जो आपको मीना बाजार में ले लेना जो भी लेना, ये आइटम इसीलिए बाहर नहीं जाता है, खाली यहाँ पर। यहाँ पर लुधियाना अमृतसर के आइटम का शौक है। कौन सा ये है ना ड्राई फ्रूट का? ओरिजिनल मतलब यहाँ पर फिक्स प्राइस है, यहाँ पर किसी चीज़ का बार नहीं अलाउड नहीं है, फिक्स प्राइस है, अलाउड नहीं है। ये मीना बाजार का आइटम नहीं है ना, पूरा मीना बाजार में पूरा, ये मीना बाजार ही है पूरा, इसका जो मेन कारखाना है वो लास्ट में। नहीं यहाँ पे यानी सारी चीजें फिक्स प्राइस है, पूरा पूरा फिक्स, किसी भी शॉप पे कोई भी बार्गेनिंग नहीं है। 100-150 रुपए का शॉल है उसमें क्या बार्गेनिंग करो, बाहर वही 600-700 रुपए में बिकता है। यहाँ पर ड्रेस मेड 500, बाहर वही 2,000 का मिलेगा। कितना सेमी पश्मीना है? ये कितने का है? 2,800। अच्छा 2,500 का। चाचा आ गए हमारी बोट में कपड़ा दिखाने, बोट के अंदर ही। ये इसके आसिक के चाचा है। इसमें भी स्टोन है क्या? नहीं क्रिस्टल है, इसमें बहुत सारे कलर भी है, डिजाइन भी मेरे पास बहुत सारी इसमें, इसमें अगर आप देखना चाहें इसमें भी है बहुत सारे, ये आपको दिखाऊंगा इसमें मेरे पास क्या है।